हर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनको रोजगार से भी जोड़ रही हैं, जिसका आज भोपाल कलेक्टर कार्यालय में महिला समूह ने परिचय दिया और अपने द्वारा निर्मित की गई सामग्रियों से भोपाल कलेक्टर अविनाश लावलिया को अवगत कराया। एंटर कर रहे हैं जो हमारी स्व सहायता समूह है, विशेषकर हमारा आशीर्वाद स्व सहायता समूह, ये लोग रॉ मटेरियल्स लेकर के साड़ियों पे कढ़ाई का काम करके उनको और बेटर करके जो हमारे रूरल मार्केट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको कैप्चर कर रहे हैं। इसमें हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जरी जरदोजी को हम लोगों ने चयनित किया है, तो जरी जरदोजी के लिए भी हम लोगों ने अपने समूहों को ट्रेन किया है और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम जरी जरदोजी को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा आय का साधन है और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आने वाले समय में पहले ग्रामीण क्षेत्रों में और उसके बाद आपके शहरी क्षेत्रों में इन प्रोडक्ट्स की भरमार हो और इनके माध्यम से हमारे जो स्व सहायता समूह है वो आगे बढ़े। सिलवानी में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 100 करोड़ के पार हो गया है। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं टीकाकरण महाअभियान के तहत नगर पंचायत द्वारा विभिन्न जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जहाँ पर नगर के मुख्य चौराहा बजरंग चौराहे पर हनुमान मंदिर पर नगर पंचायत के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर सिलवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ डॉक्टर एचएन मांडरे सिलवानी का शॉल श्रीफल के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला द्वारा सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोपियां मुठभेड़ में जान गंवाने वाले जवान कर्णवीर सिंह को सतना में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी, उनके भाई को शासकीय सेवा में रखा जाएगा, गांव में उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ये दलदल गांव धन्य हो गया, मध्य प्रदेश की धरती धन्य हो गई। इस धरा ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया श्री रवि प्रताप सिंह जी के यहाँ मां मिथिलेश जी की कोख से, कि जिसने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी भारत माता की सेवा में रक्षा में समर्पित कर दी। कर्णवीर सिंह जी इसी दलदल गांव की धरती में जन्मे थे, कुल 25 साल उम्र थी जिस दिन जन्म हुआ, उसी दिन आतंकवादियों से जूझते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करके और अंततः स्वयं भी शहीद हो गए। और देश डेली फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों की देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।